देखिए ये जो फिनिशिंग है ये एकदम एकदम पूरा फिनिश में आती है, और ये भी मशीन फ्रेश है, कोई हाथ हाथ से नहीं बना है, पूरा मशीन फ्रेश बना है। और लेमिनेट जो होता है वो 1 mm का रहता है और ये 2 mm का रहता है, तो इसके लिए इसमें मतलब क्वालिटी फिनिशिंग में थोड़ा सा भी मतलब गुंजाइश नहीं रहती, सब एकदम A1 क्लास का मिलता है। इसे देखिए शाइनिंग एकदम बहुत ही बढ़िया होती है और ये जल्दी डल भी नहीं होता है, देख सकते हैं आप। इसके लिए एक्रिलिक फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर ये क्रोमियम है, ये देखिए यहाँ पे बीच में एक लाइट दिया है और ये सब क्रॉकरी रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा अच्छे से पूरा डेकोरेटिव करके रखा है। और ये जो पंप है ये 10 kg का पंप है दोनों, और इसमें जो ग्लास का जो है ये भी डिजाइन में है, पूरा साइड से पूरा डिजाइन में ग्लास है पूरा। और इसमें जो कांच लगा है वो 10 mm का कांच है, ये जो सेल्फ है ये कांच का ये 10 mm का है। अब इसकी साइज की बात करूँगा तो ये जो है 32 इंच का है, 38 इंच का ये ऐसे में, और ऐसे में 18 इंच है। और अभी ये लॉफ्ट है ऊपर देखिए, ये 5 डोर का ये लॉफ्ट है और इधर 4 डोर का लॉफ्ट है, ये लॉफ्ट का दिखा देता हूँ मैं। अभी इसमें कुछ सामान वगैरह रखे नहीं है, अभी रिसेंटली में हैंड ओवर हुआ है तो इसके लिए अभी इसमें रखेंगे बाद में सामान वगैरह सब। अभी ये सब सब क्लोजिंग है, ऑटोमेटिक डोर बंद हो जाएंगे। इसको लग्जरी हैंडल है, देखिए ये रोज गोल्ड का लग्जरी हैंडल है, पूरे किचन में यही लगा हैंडल, यहाँ पर भी देख सकते हैं देखिए। तो अभी इधर किचन के ओटे पाएंगे तो फर्स्ट में लेफ्ट हैंड पे एक डोर है देखिए, यह स्टोरेज के लिए, इसमें आप रख सकते हैं डब्बे वगैरह, इतने में बड़े डब्बे आप अच्छे से रख सकते हैं। ये 16 इंच का डोर है, ये 16 इंच का है और यहाँ पे चिमनी का है, ये देखिए अभी फिलहाल चिमनी अभी लगी नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे सेल्फ का प्रोविजन दिया ताकि ये जगह भी यूज कर सकते हैं, इन फ्यूचर अगर चिमनी लगाएंगे तो फिर ये सेल्फ निकाल के रिमूव करके यहाँ पे चिमनी लगा सकते हैं, तो इसके लिए उसका प्रोविजन यहाँ पे ऑलरेडी दिया ताकि यहाँ पे भी यूज हो जाए। और यहाँ पे सेल्फ बटन जो है ये देखिए पूरा कवर वाला है, तो ये इसके ऊपर भी कवर है पूरा, तो कैसा अच्छा दिखता है, खराब नहीं लगेगा। और इसके नीचे LED है, देखिए इसका LED है नीचे से, कैसा किचन में LED रहता उजाला रहता तो नीचे कुछ काम करने में ईजी होता है। और यहाँ पे कुकिंग का है फर्स्ट में यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे ये कॉर्नर में तो ये भी यूज के लिए पूरा है, इसमें पेन वगैरह रखे हैं, ये सब कैसे ये सब का जल्दी यूज रहता तो इसके लिए यहाँ पे सब सामने एकदम पास में ही रखा है ताकि फटाफट सामान मिल जाते हैं। और इसमें जो चैनल ये इंजेक्शन लगाए सब हैटिक के है, देख सकते हैं आप हैटिक के सब क्लोज इंजेस है। और अभी ये राइट साइड में देखेंगे इधर, तो इधर 4 ग्लास का दिया है पूरा क्रॉकरी का पूरा, ये देखिए ये फर्स्ट में, पहले मैं आपको ग्लास का दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा डिजाइन में बना है पूरा, और ये भी 4 ग्लास के ऊपर पहले डिजाइन है देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट है पूरा अच्छे से डेकोरेटिव करके रखा हुआ है। ये ग्लास कैसा थिकनेस में रखेंगे तो लोड जाते रहेगा तो कैपेसिटी इसके लिए लेगा, इसके लिए 10 mm में सेंट गोविंद का ग्लास लगाए हैं। और यहाँ पे सब ग्लास वगैरह रखे अच्छे से डेकोरेट करके, कोई गेस्ट वगैरह आया तो यूज हो जाएगा सब। और इसमें भी लाइट दिया है और 2 डोर इधर है देखिए, यहाँ पर भी सब डेकोरेटिव करके रखा है सब क्रॉकरी। इसमें भी लाइट का प्रोविजन दिया है और ये कांच का सेल्फ है तो इसके लिए नीचे तक पूरा उसका लाइट आ रहा है तो इसके लिए अच्छा दिख रहा है पूरा यूनिट। और ये एक्वागार्ड का है, ये लास्ट में ये एक्वागार्ड के लिए लिए है, अभी फिलहाल में है नहीं एक्वागार्ड लिए नहीं है, बट लेंगे तो यहाँ पे हैंग हो जाएगा। और नीचे ये कटिंग है तो कैसा पानी जो है पोर हो जाएगा नीचे सिंक में, देखिए यहाँ पर पूरा सिंक में पोर हो जाएगा, ये एक्वागार्ड का पूरा यहाँ पर पॉइंट प्रोविजन करके रखा हुआ है ऑलरेडी।
अभी नीचे दिखाता हूँ आपको, ये सिंक का फर्स्ट वाला जो ड्रॉर है, ये देखिए यहाँ पे डस्टबिन वगैरह रखा हुआ है। अभी ये डस्टबिन का एरिया है पूरा। और उसके बाद यहाँ पे एक पुल आउट बनाया है जो कि पतला पुल आउट है, इसमें कुछ रखने के लिए। देखिए इसमें डिटर्जेंट वगैरह आप रख सकते हैं, सिंक का आइटम, कुछ सर्फ वगैरह इधर यहाँ पे रख सकते हैं घसने उसने के लिए बर्तन। और यहाँ पे दो डोर दिया है कॉर्नर के लिए। देखिए यहाँ पे एक्चुअली गैस पाइपलाइन है, यहाँ पे दिखाइए जरा, यहाँ पे गैस पाइपलाइन है यहाँ पे, तो इसके लिए सिलेंडर का इधर प्रोविजन नहीं है, सिलेंडर नहीं चाहिए इनको, तो ये पूरा ये यूज के लिए बना है। तो यहाँ पे एक सेल्फ दिया है, ये प्लाईवुड का सेल्फ है, तो ऊपर भी यूज कर सकते हैं नीचे भी यूज कर सकते हैं, ये बड़े बड़े डब्बे आराम से आ जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पूरा एक्रिलिक मटेरियल है, ये देखिए ये एक्रिलिक मटेरियल में पूरा बना है, पूरा किचन लॉफ्ट और क्रॉकरी यूनिट। ये कटलरी का है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में कटलरी का दिया है, और इसको चाहिए तो मूव भी कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसा इजली ये निकल जाता है, ऐसे निकाल के आप क्लीन करके वापस से डाल सकते हैं। इसमें क्या सिंपली क्या रहता है, ये बेलन, चाकू, चम्मच, ये सब छन्नी वगैरह ये सब ऊपर के सेक्शन में रहते हैं, तो इजली फटाफट मिल जाते हैं, तो इसके लिए इसको फर्स्ट सेक्शन में ही रखा जाता है। और ये सेकंड में ये कप सोसर का है, देखिए यहाँ पे कप वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे, और ये छोटी छोटी जो सोसर होती है छोटी छोटी वो यहाँ पे रख सकते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत ग्लास वगैरह है, और ये इसमें सब हेटिक का चैनल लगा है, सब क्लोजिंग।